नमस्कार दोस्तों, काबिल न्यूज में आप सभी का स्वागत है। और जो भी बिहार में इंटर लेवल पास अभ्यर्थी हैं, बिहार ही नहीं पूरे देश से समझिए, इस बिहार में जो इंटर लेवल की 11,098 पदों की वैकेंसी आई है, उसमें पूरे देश के छात्रों को आमंत्रित किया गया है कि आप भी आइए और अपनी किस्मत आजमाइए और कहीं ना कहीं वैकेंसी का लाभ उठाइए। 11,098 पदों की वैकेंसी है और 2014 के बाद पहली बार इतनी बड़ी संख्या में इंटर लेवल की वैकेंसी देखने को मिली है। और इस तमाम मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ दरोगा गुरु रहमान सर हैं। सबसे पहले सर स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर। 2014 के बाद पहली बार 2023 में सर समझ सकते हैं सर, 9 सालों में पहली बार 11,098 पदों की वैकेंसी दी गई है सर इंटर लेवल के लिए, और उम्र सीमा जो है वो भी 37 सालों तक है सर। कैसे देख रहे हैं इस पूरे वैकेंसी को सर? देखिए, वैकेंसी को निकलने के बाद एक मन में अजीब सा सनसनाहट आई। हाँ। क्योंकि ऐसी वैकेंसी है जिसने पूरे बिहार की व्यवस्था का पोल खोल के रख दिया था। अच्छा। 2014 में वैकेंसी निकली थी, 2016 में परीक्षा हुआ था, और ये पहला परीक्षा है पूरा हिंदुस्तान का जहां परीक्षा के एक सप्ताह पहले सारे सिटी का क्वेश्चन वायरल हो गया था। जिसके क्रम में गुरुकुल की ओर से मैंने और हमारे 10 छात्रों ने एक हंगामा हुई थी। हम लोग का मोबाइल भी जमा हुआ था और उसमें बड़े बड़े सफेद पोस्ट जेल गए थे। तो खैर, एनीवे वो परीक्षा हुआ और इतने लंबे समय बाद मैं आपसे बार बार बोलता था कि बहाली आ रही है, तो आ रही है और 11,098 बहाली आया है, जो निश्चित रूप से अभी तो लगता है कि बिहार में बहार है, सच में बहार है यहाँ के युवाओं के लिए, चाहे सिपाही हो 21,391, दरोगा हो 1,288, आपको शिक्षक हो 70,000 और आपको 11,098 बहाली आई है। तो निश्चित रूप से यह इस बात का आगाज है कि बिहार में कुछ होने वाला है। तो कुछ होने वाला है वो तो हम लोग जान रहे हैं, उत्सव होने वाला है 25 में, और साथ ही साथ माननीय मुख्यमंत्री और माननीय उप मुख्यमंत्री ने वादा भी किया था। तो निसंदेह बिहार और तमाम उन छात्रों को जो इसकी योग्यता धारित करते हो, उनके लिए गर्व का विषय है, बहुत महत्वपूर्ण पल है कि वो इसका मौका उठाए और अपने अपने किस्मत को अंतिम यहाँ पर देते। एक चीज और इसमें देखने को मिला सर, 35% सीट को महिला के लिए रिजर्व कर दिया गया सर, महिलाओं को 35% आरक्षण मिला है इस पूरे वैकेंसी में सर, तो महिलाओं के लिए तो गोल्डन चांस है सर। 100 गोल्डन नहीं, इसको डायमंड चांस कही। अच्छा। क्योंकि सिपाही में 35% होता है, दरोगा में 35% होता है, तो वो दूसरी बात है, लेकिन ये जैसा सीट है, जैसा नौकरी है, उसमें 35% महिलाओं को आरक्षण और 3% अलग से 35-38% आरक्षण महिलाओं को है, तो ये महिलाओं को आरक्षण दिया जाना निश्चित रूप से बहुत बड़ी उपलब्धि है। और जो महिला थोड़ी भी पढ़ी लिखी है, इंटर पास है, योग्यता धारित करती हो, अगर इस अपॉर्चुनिटी को नहीं बजाती हो तो निश्चित रूप से वो बदनसीब होगी। सर एक बार सिलेबस की जिक्र कर लेते हैं सर, रीजनिंग को पर महत्वपूर्ण जोर दिया गया है, इसमें 50+ रीजनिंग के क्वेश्चन है सर, बाकी साइंस और GK GS और थोड़ा सिलेबस पर चर्चा कर दीजिए सर। देखिए, इसमें 150 क्वेश्चन होता है। अच्छा। एक क्वेश्चन सही होने पर 4 नंबर मिलता है। अच्छा। और एक क्वेश्चन गलत होने पर 1 नंबर कटता है। हाँ। ये क्लियर हो गया, एक क्वेश्चन गलत होगा तो 1 नंबर कटेगा। हाँ। अच्छा। और एक क्वेश्चन सही हुआ तो 4 नंबर मिलेगा, ये हो गया। और सबसे बड़ी बात है कि 50 क्वेश्चन GK होता है, जिसमें ट्रेडिशनल स्टैटिक GK भी होते हैं, और 25 क्वेश्चन साइंस का होगा। अच्छा। 75 हो गया। अच्छा। 25 क्वेश्चन मैथ का होगा और 50 क्वेश्चन रीजनिंग का होगा। लेकिन अब तक जो है ये तीन को ग्रेजुएट लेवल का, और दूसरा पहला इसके पहले जो हुआ था, अब ये दूसरा होने वाला है, इसमें स्पष्ट है कि रीजनिंग में भी 8 से 10 प्रश्न ऐसे होते हैं जो GK बेस्ड होते हैं। अच्छा। तो इसमें सबसे अधिक महत्व अगर किसी चीज का पड़ जा रहा है तो वह हो जाता है GS का। GS का, क्योंकि GS आपको 90 के लगभग पहुंच जाता है। तो मैं स्पष्ट में कह रहा हूं कि अगर GS खूब बढ़िया हो जाए और रीजनिंग जो 50 में अगर रीजनिंग 30 भी मार देता है, तो मैथ अगर थोड़ा कम भी मारेगा तो लड़के का सिलेक्शन होने की इसमें संभावना होती है।
सर जीके की महत्वपूर्ण भूमिका है इसमें, तो जीके के लिए सर अभी से छात्र क्या करें सर? एक महीना फॉर्म का टाइम दिया गया सर, 27 तारीख से फॉर्म अप्लाई हो जाएगा और 11-11 तक फॉर्म अप्लाई किया जाएगा सर, तो कहीं ना कहीं जीके जो है उसमें महत्वपूर्ण भूमिका है सर, और आपसे सटीक कुछ कोई बता नहीं सकता सर जीके के लिए क्या करें। देखिए मैंने तो स्पष्ट रूप से कहा है कि कर्मचारी चयन आयोग हो या बिहार दरोगा हो, जीके के लिए एससीईआरटी और एनसीईआरटी से बढ़िया कोई किताब नहीं, कोई किताब है ही नहीं, दूसरा पढ़ेगा फेल कर जाएगा। अच्छा। बहुत सारा आइटम परमाणु निकलेगा अभी, देखिएगा मतलब भटकना नहीं है, एकदम नहीं भटकना है। एससीईआरटी और एनसीईआरटी को खंगाल दे, अग्रवाल बीके आर एस अग्रवाल का मैथ, आर एस अग्रवाल का रीजनिंग, उस पर ध्यान दे, प्रतियोगिता दर पर ध्यान दे, एससीईआरटी एनसीईआरटी पढ़े, नियमित रूप से प्रैक्टिस करे, निसंदेह रिजल्ट होगा उन्हीं का होगा जो टेक्स्ट बुक के साथ इसको पढ़ेंगे, क्योंकि यह पहली ऐसी परीक्षा होती है इस परीक्षा में आपको इंटर तक के प्रश्न रहते हैं, लेकिन वो प्रश्न बिहार बोर्ड और एनसीईआरटी पर आधारित होते हैं, और तब बिहार बोर्ड की किताब और एनसीईआरटी को नकार देना अपने पैर पर कुल्हाड़ी चलाने के समान है। सर तमाम एग्जाम ऐसे होते हैं जिसमें 33% पासिंग मार्क रखा जाता है, इसमें सर जनरल के लिए 40% रखा गया है और कैटेगरी वाइज उसको कम करते गया है सर, पासिंग मार्क को कैटेगरी वाइज कम करते गया है, यहाँ तक कि दिव्यांग के लिए भी पासिंग मार्क 32% है, तो सर इसमें भी 40% लाना होगा, जो भी क्वालिफाई करेंगे उन्हीं का रिजल्ट बनेगा ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, 40% से 32%, 40 मैक्सिमम जनरल का, और उसके बाद 36.5 है आपको ओबीसी का, आप महिलाओं को सब घटते घटते 32 आ जाता है, तो इतना तो कट ऑफ लाना ही होगा, और इतना कट ऑफ आ जाता है सबका। कट ऑफ लाने का मतलब नहीं है, इसमें है कि कौन कितना ज्यादा एक्यूरेसी के साथ स्कोर करता है। अच्छा। जिसकी एक्यूरेसी टॉप क्लास की होगी वो उसका रिजल्ट पक्का होगा। सर 27 से फॉर्म भराएगा सर, तो फॉर्म में तो छात्रों को गलती नहीं करना चाहिए, अगर फॉर्म में गलती करते हैं तो सुधार का मौका भी उतना नहीं मिल पा रहा है अब सर। देखिए एक बात बताते हैं, स्पष्ट रूप से आयोग ने विज्ञापन में लिखा है कि किसी भी तरह की गलती करते हैं फॉर्म भरने में और या किसी भी तरह का आप गलत सूचना देते हैं तो ऐसी परिस्थिति में आपकी कैंडिडेचर ना केवल रद्द की जाएगी अपितु आपको वंचित किया जा सकता है विभिन्न एग्जामों से। तो मैं कहूंगा कि साइबर वाले पढ़े लिखे नहीं होते हैं, इसलिए लड़के फॉर्म उसी तरह से भरे जैसे लगे कि ये परीक्षा दे रहे हैं, और फॉर्म भरने में किसी भी तरह की त्रुटि हो तो उससे बचने का प्रयास करें, क्योंकि फॉर्म भरना सही ढंग से फॉर्म भर देना इनके 25% सफलता को सुनिश्चित कर देगा। अच्छा सर, क्या गुरु रहमान सर का बिहार एसएससी इंटर लेवल के लिए कोई बैच आया है कि नहीं सर? मेरा बैच 26 तारीख को सुंदरकांड है, 26 तारीख को दारोगा का 7-8 से 11 और 4-7 इंटर स्तरीय का बैच है। अच्छा। और उसके बाद शिक्षक का 1-4 तक का बैच शुरू हो रहा है, लेकिन बजरंगबली की पूजा के बाद ये 26 तारीख से बैच शुरू कर रहे हैं। निश्चित रूप से क्रांतियां करते रहे हैं, क्रांति करेंगे, और इस परीक्षा के लिए तो मैं पागल इसलिए टाइप का हो रहा हूँ क्योंकि देशभर दरोगा मेरे लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस परीक्षा के तहत 10 लोग जो जेल गए थे उसको जेल भेजवाने में अदम्य आदि गुरुकुल की महत्वपूर्ण भूमिका थी, और निश्चित रूप से यह पद एक महत्वपूर्ण पद है, और गरीब बच्चे जो इंटर पास होते हैं, गरीब बच्चियां जो मध्यमा इंटर या फुरकानिया टाइप की होती है उनके लिए ये बहुत अच्छा मौका है। इस बार पेपर लीक नहीं होगा? असंभव, मैं आपको बता दूं, सिपाही, दरोगा, इंटर स्तरीय या शिक्षक, बीपीएससी, किसी में अगर पेपर लीक हुआ तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं अब मैं नहीं झुकने वाला हूं, अहिंसात्मक आंदोलन करके जान दे दे, लेकिन गलत नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। छात्रों के साथ है रहमान, 110% थे हैं और रहेंगे, उनको याद दिला दे 2016 बिल्कुल और अभी का याद दिला दे, और आपको स्पष्ट रूप से मैं आपके चैनल से माननीय अध्यक्ष महोदय से कहूंगा कि हुजूर वैकेंसी निकाल दिए, बहुत बहुत धन्यवाद, एंसर शीट दे दीजिएगा, बच्चों का कॉपी दे दीजिएगा, और किसी भी तरह की व्यवस्था जो आप करते हैं, जो आपको एंसर जो बच्चा होता है पारदर्शिता के लिए आप जो हुआ कीजिएगा, ऐसे माननीय मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम के साथ साथ आयोग के अध्यक्ष महोदय कोटि कोटि धन्यवाद के पात्र है कि इस समय में जब चारों तरफ सुखाड़ था तो
तो पानी का फुहारा निकल पड़ा है और बिहार के लड़कों के लिए एक नए मार्ग की शुरुआत हुई है जो उनको जिंदगी को कहीं ना कहीं अस्थायित्व प्रदान करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो जैसा कि आप लोग देख रहे थे रहमान सर थे और जिस तरह से रहमान सर बताए हैं फॉर्म में भी गलती नहीं करना है, अगर फॉर्म में भी आप गलती करते हैं तो आपको हो सकता है कि बिहार के अन्य परीक्षाओं से भी इलिमिनेट हो सकते हैं आप, तो फॉर्म में गलती कभी भी नहीं करना है। और जिस तरह से सर बता रहे हैं तैयारी को लेकर सर के बताए हुए रास्तों को आप जरूर फॉलो कीजिएगा। सर का बैच भी आ रहा है 26 तारीख से, तो बैच सर का लीजिएगा और जितना हो सके सर पर भरोसा रखिएगा। और सर जिस तरह से बता रहे थे सर के बताए हुए के रास्तों को एकदम फॉलो करना है ताकि आप एग्जाम क्लियर कर सके और एक सीट अपनी पक्की कर सके। बाकी आप क्या कुछ सोच रहे इस वैकेंसी के बारे में, सर के बारे में, अपनी राय कॉमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। आप देख रहे थे काबिल न्यूज। जय हिंद।